Hi kids, today we are going to learn degrees of comparison. Kids, adjective that compares one or more things use degrees of comparison. बच्चों, जब हम एक या एक से अधिक लोगों के बीच में आपस में तुलना करते हैं तो वहाँ पर हम degrees of comparison का use करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, degrees 3 टाइप्स की होती हैं. देखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. लेट्स रिपीट विद मी. नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री. अब हम पिक्चर्स के द्वारा समझेंगे. देखिए, let's see in this picture. Pramod is a tall boy. Pramod एक लंबा लड़का है. बच्चों, यहाँ पर हम simply कह रहे हैं कि Pramod एक लंबा लड़का है. Pramod is a tall boy. यहाँ पर हम Pramod की तुलना या Pramod की का comparison हम किसी के साथ भी नहीं कर रहे हैं. जब हम किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं करते हैं, तुलना नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हमारी नंबर 1 जो डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, वह आती है. टॉल जो हमारी है वो है पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, प्रमोद इज़ टॉलर देन विनोद. अब यहाँ पे प्रमोद की तुलना विनोद के साथ की जा रही है. दो लोगों की आपस में तुलना की जा रही है. जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड जो हमारी डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री, इसका यूज़ किया जाता है, जो कि टॉलर है. नेक्स्ट देखिए, थर्ड सेंटेंस में, थर्ड पिक्चर में, प्रमोद इज़ द टॉलेस्ट बॉय. अब प्रमोद की तुलना दो अन्य लोगों के साथ की जा रही है. दो से अधिक लोगों के साथ, जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच तुलना की जाती है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है. यहाँ पे बोल रहे हैं प्रमोद इज़ द टॉलेस्ट बॉय, तो टॉलेस्ट हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है. टॉल हमारी पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री. इन द अबव सेंटेंसेस कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड. ऊपर के सेंटेंस में एडजेक्टिव्स का आपस में कंपैरिजन किया गया है. द कलर्ड वर्ड टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट आर द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन. जो कलर्ड वर्ड हैं टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, ये तुलनात्मक शब्द हैं, कंपैरिजन करने वाले वर्ड हैं. इनसे ही पता चल रहा है हमको कि यहाँ पे तुलना हो रही है. लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स. चीना इज़ अ गुड गर्ल. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपली कह रहे हैं चीना एक गुड गर्ल है, अच्छी लड़की है. तो गुड हमारी क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे चीना की तुलना किसी के साथ भी नहीं हो रही है. जहाँ पे तुलना नहीं की जाती है वहाँ पर हमारी पॉजिटिव डिग्री आती है, और गुड हमारी क्या है, पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट देखिए, चीना इज़ बेटर देन द अदर गर्ल. चीना दूसरी लड़की से अच्छी है. यहाँ पे चीना की तुलना दूसरी गर्ल के साथ की जा रही है, यानी दो लोगों की आपस में तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री आएगी. बेटर हमारी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री. नेक्स्ट है चीना इज़ द बेस्ट गर्ल. अब चीना की तुलना बहुत सारी गर्ल्स के साथ की जा रही है, बहुत सारे लोगों के साथ की जा रही है, तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, बेस्ट जो होगी वो होगी सुपरलेटिव डिग्री. नेक्स्ट देखिए बच्चों, अवनी इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट. अवनी एक चालाक लड़की है. यहाँ पे सिंपल वे में बोला जा रहा है कि अवनी एक चालाक लड़की है, तो यहाँ पे हमारी तुलना नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगी हमारी, पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट सेंटेंस में, अवनी इज़ क्लेवरर देन वर्षा. अवनी वर्षा से ज़्यादा चालाक है, तो यहाँ पे अवनी की तुलना वर्षा के साथ की जा रही है, यानी दो लोगों की आपस में तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगी हमारी, कंपैरेटिव डिग्री.
नेक्स्ट देखिए, अवनी इज द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. अवनी क्लास की सबसे ज़्यादा चालाक लड़की है, यानी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा चालाक हैं. तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोगों से तुलना की जा रही है. तो मैंने आपको बताया था, जब ज़्यादा लोगों के बीच तुलना होती है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच तुलना होती है, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट देखिए बच्चों, दिस इज़ अ बिग हाउस. यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं, किसी एक घर के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस इज़ अ बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है. तो ये यहाँ पे तुलना नहीं हो रही किसी के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगी बच्चों, हमारी पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट देखिए, दिस हाउस इज बिगर देन हिज हाउस. यह घर उसके घर से बड़ा है, यानी यहाँ पे दो घरों की, टू हाउसेस की तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है. तो जब दो लोगों के बीच, दो चीज़ों के बीच तुलना होती है, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है. तो बिग का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है बिगर. नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन आवर कॉलोनी. यह हमारी कॉलोनी का सबसे बड़ा घर है, यानी बहुत सारे घरों के बीच में आपस में तुलना की जा रही है कि यह घर हमारी कॉलोनी का सबसे बड़ा घर है. तो जब ज़्यादा लोगों के बारे में, ज़्यादा चीज़ों के बारे में तुलना होती है, तो क्या होती है वहाँ पे हमारी सुपरलेटिव डिग्री. तो बिग हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री, बिगर कंपैरेटिव डिग्री, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री. ऑल कलर्ड वर्ड्स आर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. जितने भी कलर्ड वर्ड हैं, ये सब क्या है, हमारी कंपैरिजन की डिग्रीज हैं, तुलना करने की डिग्रीज हैं अलग अलग. अभी बच्चों और अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्रीज. थ्री काइंड्स की डिग्री होती है, मैंने अभी आपको बताया था. पॉजिटिव डिग्री, जब हम किसी के साथ भी तुलना नहीं करते हैं और सिंपल वे में बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है. कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जब हम दो लोगों के बीच में आपस में तुलना करते हैं. व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस. जब हम दो लोगों के या दो स्थानों के या दो चीज़ों की आपस में तुलना करते हैं, तो वहाँ पर हमारी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है. सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बच्चों, जहाँ पर दो से अधिक लोगों के, दो से ज़्यादा, यानी तीन, चार, पाँच और भी ज़्यादा लोगों के बारे में जब हम तुलना करते हैं, तो वहाँ पे हमारी क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री. व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, पर्सन्स और प्लेसेस आर कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. जहाँ पर हम दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना करते हैं, बराबरी करते हैं, वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है. तो बच्चों यहाँ पे कुछ डिग्रीज़ की फॉर्मेशन दी गई हैं, इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कीजिए. बाय बाय बच्चों.